హాయ్, వెల్కమ్ టు శ్రీక్యా. మేము వచ్చేసి ఇవాళ కూర్గ్లో ఉన్న కాఫీ ప్లాంటేషన్ కి వచ్చాం అన్నమాట. इसको रोज करने के बाद इसका कलर ब्राउन कलर में एंड पाउडर होने के बाद कॉफी का कलर आपको गोल्डन ब्राउन कलर में मिलता है देखने के लिए. एंड रोस्टिंग करने के बाद ये वाला बीन्स को टेस्ट कर सकते हैं. पाउडर करने के बाद इसका क्वांटिटी और भी ज्यादा लेस होता जाता है. जैसे कॉफी का बीन्स होता है, एक शेल में आपको 2 बीन्स रहता है. एंड इसका शेल होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं. जैसे कॉफी का प्लांट के नीचे फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला रहता है, जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है. एंड कॉफी स्मेल नहीं रहता, ये स्मेल नहीं रहता है ड्राई होने के बाद आता है. मतलब रोस्ट होने के बाद 20% एंड पाउडर होने के बाद 80%. 100% रोस्टिंग एंड पाउडर फार्मिंग में उसका स्मेल पता लगता है. एंड कॉफी में आपको इंटर इंडिया में दो वैरायटी का कॉफी मिलता है, एक अरेबिका और दूसरा रोबस्टा कॉफी बोलते हैं. उसमें वाला कॉफी का प्लांट रोबस्टा कॉफी का प्लांट होता है. ईयरली वन टाइम मिलने वाला क्रॉप होता है आपको कॉफी. फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में कूर में फर्स्ट रेनफॉल होते ही कॉफी का प्लांट का ऊपर आपको व्हाइट वर्ल्ड कलर का, मतलब एक जास्मिन का एक फ्लावर दिखता है देखने के लिए. कॉफी का फ्लावर होता है, सेम टू सेम आपको जास्मिन का तरह आपको अरोमेटिक स्मेल देगा. एंड वही वाला फ्लावर ड्राइड होने के बाद जून में आपको इस तरह का कॉफी का ग्रीन बीन्स मिलता है देखने के लिए. जैसे यही बीन्स आपको राइपन होने के बाद रेड कलर में टर्न होता है. तो हम लोग कॉफी को प्लांट में से मैनुअली पिक करते हैं. पिक करने के बाद इसको ड्राई करके हम लोग उसका आउटर शेल निकाल के रोस्ट एंड पाउडर फॉर्म करने के बाद हम लोग को कॉफी मिलता है. ओरिजिनल फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ कॉफी मिलता है. और तो रोबस्टा कॉफी बोलते हो, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा कंजप्शन करता है, क्योंकि रोबस्टा कॉफी की शुरुआत आपको इंडिया में 18th सेंचुरी का टाइम में ब्रिटिश लोगों ने किया था. 18th सेंचुरी के टाइम में साउथ अफ्रीका का इथियोपिया देश से ब्रिटिश लोगों ने उनका आर्मी का सोल्जर्स लोगों को रात भर एक्टिव रखने के लिए रोबस्टा कॉफी को लेकर कोर्ट में प्लांट किया था. क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ज्यादा भी है एंड उसी के साथ साथ रोबस्टा कॉफी बिटर एंड स्ट्रॉन्गर निकल से ना. रोबस्टा कॉफी में कैफेन बहुत ज्यादा निकल से उन लोग आर्मी का सोल्जर्स लोगों को इसका ब्लैक कॉफी सर्व करते थे लोगों रात भर एक्टिव रखने के लिए. रोबस्टा कॉफी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बिटर वाला कॉफी होता है. आइडेंटिफिकेशन इसका कम से कम बोलो तो 110 ईयर तक एक प्लांट में से हम लोग को कॉफी मिलता रहेगा रोबस्टा का एक प्लांट से. तो ये सारा प्लांटेशन है यहाँ पे, जितना भी सारा ये सारा ब्रिटिश लोगों ने किया वाला प्लांटेशन है. और यहाँ पे साउथ इंडिया में हम लोग रोबस्टा कॉफी को फिल्टर कॉफी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे आपको फिल्टर कॉफी मशीन में बनाने वाला ब्लैक कॉफी एंड फिल्टर कॉफी होता है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फेमस है. एंड बड़ा बड़ा कैफेस में जाते तो कैपेचिनो, हॉट चॉकलेट, एस्प्रेसो, लाते, अमेरिकन फिल्टर कॉफी होता है ना, वो सारा आपको बनाया जाता है रोबस्टा कॉफी से. बहुत बहुत बिटर एंड बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कॉफी आपको रोबस्टा, ये बिटर रहेगा, ये बिटर एंड स्ट्रॉन्ग होता है. मतलब रोबस्टा का मीनिंग वही होता है बिटर एंड स्ट्रॉन्ग वाला कॉफी, रोबस्टा कॉफी बोलते हैं. तो ये अभी अभी हो गया, ये अभी अभी राइपन सीजन है. अभी इसका राइपन सीजन है, जैसे रेड कलर होने में हम लोग प्लांट में से कॉफी को निकाल सकते हैं. ओके ओके, ग्रीन से रेड होता है वो बीज में निकलेगा. हाथ में ये है आपका नेल से, तो नेल्स में एक बार पिंच करो उसका शेल को, इजी में निकल आएगा. इजी है निकालना, राइपन भी निकलना इजी होता है, लेकिन हार्डली प्रेस करे तो हो जाएगा. और इसके साथ साथ कॉफी होता है ना, कॉफी को डायरेक्ट सनलाइट गिरने से इस तरह खराब हो जाता है कॉफी. क्योंकि लोग कॉफी को वेस्ट कॉफी बोलते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किस तरह होता है बोलते हैं. जैसे इसके अंदर में कॉफी का जो सीड्स रहता है ना, पूरा आपको ड्राइड हो गया होकर चला जाता है. क्योंकि लोग कॉफी आपको वेस्ट कॉफी होता है डायरेक्ट सनलाइट जाने से. हाँ, डायरेक्ट सनलाइट गिरने से. मतलब ईयर का 9 months रहता है ना आपको कॉफी एक प्लांट में, तो पूरा आपको व्हाइट कलर का जगह कॉफी का बीन्स आपको पूरा स्टोन का तरह मिलता है देखने के लिए. जैसे सर आपको कॉफी का बीन्स होता है सर, आपको कॉफी का बीन से पूरा ड्राइड हो गया है, तो इस वजह से हम लोग कॉफी को सबसे ज्यादा शेडिंग में प्लांट करते हैं. जैसे प्लांट रोबस्टा कॉफी का प्लांट होता है. प्रोडक्शन आपको इंडिया में सबसे पहले 18th सेंचुरी का टाइम में स्टार्ट हुआ था. जैसे रोबस्टा कॉफी को 18th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों ने लेके आता. एंड रोबस्टा कॉफी बहुत बिटर एंड स्ट्रॉन्ग रहता है, प्लस उसका प्रोडक्शन ज्यादा, लेकिन इंडिया में डिमांड बहुत कम है. क्योंकि वाला कॉफी फिल्टर कॉफी का जार नहीं तो मशीन का मदद से बनता है, जो कि टोटली आपको बनाने के लिए इंडिया में 15 minutes जितना टाइम लगता है. ऊपर वाला फिल्टर में आपको वाटर और कॉफी का पाउडर को डालने के बाद नीचे वाला फिल्टर में उसका पिन ड्रॉप डिकॉक्शन के गिर के स्टोर होने के लिए 7 to 9 minutes का टाइम लगता है. 9 minutes के बाद वाला डिकॉक्शन को आप कलेक्ट करके उसको हाई फ्लेम में बॉइल करना पड़ेगा, जो कि टोटली आपको 5 minutes का टाइम लगता है, जो कि टोटली 14 minutes का टाइम लगता है आपको. एंड बाकी का 1 or 2 minutes में इसको स्ट्रेन करके उसमें मिल्क एंड शुगर ऐड करके पीने वाला कॉफी को फिल्टर कॉफी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में आपको कम कंजप्शन किया जाने वाला रहता है. और इंस्टेंट कॉफी, जैसे इंस्टेंट कॉफी आपको बनाया जाता है वाला अरेबिका कॉफी में से बनाया जाता है, जो कि इसका शुरुआत आपको तो इंडिया में आपको सबसे पहले प्रोडक्शन इसका शुरुआत होता है आपको 16th सेंचुरी का टाइम में, जो कि यहाँ से आपको 182 किलोमीटर में कर्नाटक में चिकमंगलुरु बोल के गांव सुना आपने, चिकमंगलुरु गए था तो आप आपको सबसे पहले कॉफी का शुरुआत होता है. चिकमंगलुरु से 14 किलोमीटर में आप दूर में जाओगे तो आप आपको चंद्रगिरी हिल स्टेशन बोल के एक बड़ा सा हिल स्टेशन एरिया है. वहाँ पे एक हिल स्टेशन एरिया में एक मुसलमान साधु रहा करते थे, जो कि इनका नाम था बाबा बुडन बोल के, जो कि मुस्लिम पंडित थे. इंडिया से मक्का मदीना का सफर के लिए बोल के वाला अरब कंट्रीज जाते हैं,
जाके वो लोग दोबारा रिटर्न आने का समय में टर्की का देश से वो लोग 7 to 8 कॉफी का बीन्स को लेके आके सबसे पहले प्लान करते हैं चिकमंगलूर का चंद्रगिरी हिल स्टेशन में। 7 कॉफी का बीन्स को लोग चंद्रगिरी हिल स्टेशन में प्लान करके आफ्टर 6 ईयर्स के बाद उसमें 2 कॉफी का प्लांट मेच्योरिटी होता है तो उसमें 3 किलो जितना कॉफी का बीन्स मिलता है। वही वाला बीन्स को लोग पिक करके कलेक्ट करके रखते हैं और उसका आउटर शेल को निकाल के प्लांट करते हैं। मतलब 2 प्लांट को लगाने के बाद में वो 2 प्लांट 10 प्लांट होता है, 10 प्लांट 10,000 प्लांट होता है। आज वहाँ पे आपको कम से कम 800,000 से भी प्लस कॉफी का प्लांट्स वहाँ पे आपको देखने के लिए चिकमंगलूर में। एंड बाबा बुडन एक्सपायर होने के बाद में ना उन लोग का नाम का एक मंदिर बना के एंटायर चंद्रगिरी हिल स्टेशन नाम भी बदल के बाबा बुडनगिरी हिल स्टेशन नाम के नाम से आपको चिकमंगलूर में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अरेबिका कॉफी अरब कंट्री से लेके आके प्लांट किया वाला पहला कॉफी जनरेशन वाइज जाते जाते अरेबिका कॉफी के नाम से आपको जाना जाता है। जो कि वाला कॉफी का प्लांट अरेबिका कॉफी का प्लांट होता है। जैसे उतना ईयरली वन टाइम क्रॉप देता रहता है, जैसे फरवरी मार्च में आपको फ्लावर होता है, फ्लावर होने के बाद ग्रीन बीन्स और उसके बाद में आपको राइपन बीन्स। जैसे हम लोग वाला कॉफी को हम लोग दिसंबर नहीं तो जनवरी का फर्स्ट वीक में हार्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। इसको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। जैसे वो लोग कॉफी का प्लांट को आइडेंटिफाई इसका लीफ का मदद से किया जाता है। जैसे रोबस्टा का आपको साइज में बड़ा, अरेबिका का आपको साइज में छोटा मिलता है देखने के लिए। जैसे अरेबिका कॉफी का प्लांट होता है, इसका पत्ता आपको साइज में छोटा एंड वाला प्लांट का स्टेम यहाँ पे देख सकते हैं आपको साइज में बहुत छोटा दिखता है देखने के लिए। जैसे अरेबिका कॉफी का प्लांट का स्टेम होता है मैक्सिमम मोटा है ना, हाँ रोबस्टा का मोटा होता है। जैसे इसको बैक वाला पार्ट में देख सकते हैं रोबस्टा कॉफी का प्लांट होता है। एंड रोबस्टा कॉफी का प्लांट अम्ब्रेला का तरह होता है, अरेबिका कॉफी का प्लांट भी आपको छोटा अम्ब्रेला का तरह दिखता है देखने के लिए। बीन्स तो सेम दिख रहा है ना, बीन्स नहीं सर, बीन्स का डिफरेंशिएशन होता है। जैसे अरेबिका कॉफी का बीन्स है ना, ये आपको साइज में बड़ा होता है, पकड़ लीजिए। एंड रोबस्टा का आपको दिखाता है, एंड ये वाला रोबस्टा कॉफी बीन्स। ओके सो दिस इज मैक्सिमम साइज रोबस्टा का, मैक्सिमम साइज होता है अरबिका का, ये मैक्सिमम है। अरबिका का सही, इसका बीन्स बड़ा लेकिन आपको लीफ छोटा रहता है एंड इसका लीफ बड़ा लेकिन आपको बीन्स छोटा रहता है, वही आपको डिफरेंशिएशन है। एंड अरबिका कॉफी माइल्ड एंड नेचुरली स्वीट रहने का से इसका इस्तेमाल इंडिया में इंस्टेंट कॉफी बनाने के लिए किया जाता है। ब्रू नेस्कैफे लेविस्टा कॉफी आता है ना एंड फ्लेवर्ड वाला कॉफी वेनिला हेजलनट डार्क चॉकलेट आलमंड होता है ना, सारा कॉफी आपको बनाया जाता है अरबिका से। क्योंकि माइल्ड एंड नेचुरली स्वीट वाला कॉफी आपको अरबिका मिलता है देखने के लिए। ये अंदर का बीन्स है, हां मतलब ये इनसाइड वाला बीन्स होता है अरबिका का, साइज में बड़ा दिखता है आपको देखने के लिए। जैसे सारा अरबिका कॉफी का सीड्स होता है, सो ये भी सेम कलर होता है ना, ब्लैक सेम कलर होता है। मतलब उसको रोस्ट करने के बाद ब्राउन कलर एंड पाउडर होने के बाद गोल्डन ब्राउन कलर में मिलता है आपको देखने के लिए, नहीं तो डार्क प्रोसेस सेम प्रोसेस दोनों का सेम प्रोसेस करता है आपको। मतलब 80 सेल्सियस का हीट टेंपरेचर और 120 डिग्री का फारेनहाइट में रोस्ट करता है। जैसे दोनों वैरायटी का कॉफी इंडिया में आपको ज्यादातर मिलता है। ईयरली वन टाइम क्रॉप देते देते ये वाला एक प्लांट आपको कम से कम 80 इयर्स तक अरबिका प्लांट में से हम लोग को कॉफी मिलता रहता है। एंड रोबस्टा आपको 110 इयर्स तक एक प्लांट में से क्रॉप देता रहता है, जो कि इसका शेल्फ लाइफ आपको लॉन्ग टाइम तक कॉफी एक प्लांट में से हम लोग को मिलता रहता है देखने के लिए। इसका कितना रहता है क्वांटिटी एक साल में? 4 to 8 किलो कॉफी का बीन्स, वो आपको 15 किलो जितना कॉफी का बीन्स मिलता है। उसको पाउडर करने के बाद 10 किलो, इसको पाउडर करने के बाद ओनली 5 किलो आपको कॉफी का, ईयरली 5 किलो वन मतलब पाउडर आपको 5 किलो, पाउडर 5 किलो बीन्स आपको ज्यादा इसमें क्वांटिटी में मिलता है देखने के लिए। एंड कॉफी होता है ना, कॉफी का प्लांट्स को हम लोग सबसे ज्यादा शेडिंग में प्लांट करते हैं, क्योंकि कॉफी का प्लांटेशन होता है ना, सो ईयर का 9 months एक प्लांट में आपको कॉफी मिलने का से कॉफी बहुत जल्दी खराब हो जाता है बोल के हम लोग कॉफी का प्लांट को सबसे ज्यादा शेडिंग में प्लांट करके छोड़ देते हैं। जो कि कॉफी का प्लांटेशन करने से 5 or 7 ईयर्स बिफोर इस तरह का अलग अलग वैरायटी का ट्री को आपको प्लांट करना पड़ता है कॉफी का प्लांटेशन का अंदर में। जो कि एक प्लांट आपको मेच्योरिटी होने के लिए टोटली 6 ईयर्स का टाइम लगता है, तो कॉफी का प्लांट को शेडिंग देने के लिए इसका वैरायटी का ट्री रहता है ना, जो कि इसका ट्री शेडिंग प्लस उसी के साथ साथ इसका लीफ गिरने के बाद यहाँ पे नीचे में हम लोग क्लीन नहीं करते हैं, जो कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और कॉफी के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। मतलब यहाँ पे ईयरली आपको 12 months यहाँ पे सूटेबल वेदर रहता है। जैसे इस वजह से यहाँ पे कूर को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोल के बोलते हैं, जबकि यहाँ का वेदर 25 से 30 या मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर रहता है। एंड यहाँ पे ईयरली आपको रेनफॉल बहुत ज्यादा होता रहता है, मतलब ईयर का 8 months यहाँ पे आपको फेब्रुवरी या नहीं तो मार्च से स्टार्ट हो गया तो रेनफॉल यहाँ पे आपको नवंबर तक रेनफॉल होता रहता है। तो हम लोग कॉफी का प्लांट को लेवल एरिया पे नहीं हिल स्टेशन एरिया पे प्लांट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि बारिश का पानी की वजह से कॉफी का बीन्स बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना, मतलब झड़के खराब हो जाता है ना, तो इस वजह से इसको स्लोपर एरिया स्लोपर में पानी चले जाना इजी फ्लो होकर स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहता, मतलब फ्लो के करने के लिए इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं कॉफी का प्लांट को। तो इस तरह कॉफी का प्लांट्स को हम लोग सबसे ज्यादा प्लांट करके छोड़ देते हैं। ये कितना साल पुराना है? सो ये सर आपको 35-40 ईयर्स ओल्ड वाला प्लांट है, वो सर आपको 45-50 ईयर्स ओल्ड एज वाला। अच्छा, उतना पहले लगा के रखे? पहले लगा के लगाया वाला प्लांट होता है ये पूरा। ये टोटल एकर आपको 113 एकर का प्रॉपर्टी है, मतलब अभी पूरा नीचे वाला प्लांट सर आपको कम एज वाला है, ऊपर वाला प्लांट सर आपको बिलो आपको अबव 50 ईयर्स वाला है। ओके, सो ये दोनों वैरायटी का कॉफी आपको यहाँ पे इंडिया में मिलने वाला। रोस्टिंग एंड पाउडर फार्मिंग में आपको फैक्ट्री में बताता हूँ किस तरह होता है बोल के। तो जैसे कि कॉफी का प्लांटेशन होता है ना, कॉफी का प्लांटेशन को हम लोग शेडिंग में सबसे ज्यादा प्लांट करते हैं। तो शेडिंग बोले तो कॉफी का प्लांटेशन का बीच बीच में अलग अलग वैरायटी का प्लांट, जैसे हेल्पफुल ट्री प्लस आपको स्पाइसेस मिलता है देखने के लिए। जैसे ये वाला आगे वाला ट्री देख रहे ना फ्रंट वाला पार्ट में, जैसे ऊपर से लेके नीचे तक आपको ग्रीन कलर का लीफ मिल रहा है, आपको एक प्लांट से मिलने वाला दोनों वैरायटी का स्पाइसेस होता है। आप अपने घर में यूज करते हो ना बे लीव्स बोल के, क्योंकि बिरयानी लीव्स उसका लीफ जैसे हम लोग को बिरयानी लीव्स मिलता है बे लीव्स, एंड उसका स्टेम वाला पार्ट में से हम लोग को प्रोडक्शन किया जाता है सिनेमन का, मतलब दालचीनी बोलते हैं। दालचीनी अच्छा वही है क्या?
सो जैसा आपको दोनों वैरायटी का स्पाइस इधर एक ही प्लांट से मिलता है, हम लोगों को कॉफी का प्लांटेशन के अंदर में कॉफी का प्लांट को शेडिंग के लिए बोल के इस तरह स्पाइसेस का प्लांट को सबसे ज्यादा प्लांट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला एक प्लांट मैच्योरिटी होने के लिए टोटली 8 इयर्स का टाइम लगता है। उसके बाद कौन सा 8 इयर्स ये वाला एक प्लांट, ये वाला एक प्लांट में 2 इयर्स में आपको बेलीज मिलता है एंड 6 इयर्स के बाद में आपको सिनेमन्स मिलता है, मतलब ड्राई होने के बाद ना, मतलब मैच्योरिटी होने से पहले, मतलब दोनों वैरायटी का स्पाइसेस एक साथ में 8 इयर्स का बाद में मिलता है आपको। और ये वाला प्लांट में से हम लोग फरवरी मार्च एंड अप्रैल में, जैसे समर सीजन में हमारा हैंड हाथ नीचे साइज वाला सेलेक्टेड लीफ आता है ना, उस लीफ को हम लोग पिक करके कॉटन का बैग में डाल के उसको 28 से 32 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर में मॉर्निंग सनलाइट में ड्राई करते हैं, तो उसका कलर डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन कलर में टर्न होता है, मतलब 4 डेज से लेकर 20 डेज तक ड्राई करने के बाद में, तो हम लोग को मिलता है दिखने के लिए बे लीव्स, मतलब बिरयानी लीव्स मिलता है, लेकिन विदाउट फ्रिज कम से कम बोले तो आप 2 ईयर से लेकर 7 ईयर तक अपन घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा उसका स्टेम वाला पार्ट देख रहे हैं, उसमें से प्रोडक्शन किया जाता है हम लोग को सिनेमन्स का, जो कि आपको दालचीनी बोलते हैं ना, दालचीनी में आपको दो वैरायटी का मिलता है, एक आउटर बार्क से निकलने वाला दालचीनी जो कि हम लोग उसको चक्का दालचीनी चक्का बोलते हैं ना आपको घर में, तो कि चक्का बोले तो उसका आउटर पार्ट होता है और इनर पार्ट में हम लोग को मिलता है दालचीनी, मतलब रोल्ड वन ना, तो जैसे कि इस तरह दो वैरायटी का आपको सिनेमन्स मिलता है। तो कौन सा अच्छा रहता है, रोल्ड या रोल्ड वाला? सबसे बढ़िया होता है रोल्ड वाला को फर्स्ट क्वालिटी बोलते हैं, आउटर बार्क को सेकंड क्वालिटी बोलते हैं, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली वाला प्लांट के ऊपर आपको गिरने के वजह से वाला प्लांट का न्यूट्रिशन को सनलाइट एक्स्ट्रा कर लेता है। दूसरा वाला प्लांट का वुड बहुत स्वीट रहने के वजह से वाला प्लांट में व्हाइट कलर का स्पॉट्स दिख रहा होगा आपको दूर, क्योंकि प्लांट का फंगस होता है, उसका फ्लेवर को स्वीट से बहुत जल्दी बिटर करके छोड़ देता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल इंडिया में हम लोग सबसे ज्यादा आउटर बार्क वाला सिनेमन आपको लेस प्राइस में मिलने का वजह से ना, तो मार्केट में हम लोग इस्तेमाल उसका सबसे ज्यादा करते हैं, मतलब आपको लेस प्राइस में मिलता है इस वजह से। दूसरा उसका अंदर वाला लकड़ी को हम लोग रोल्ड सिनेमन बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि आर्टिफिशियली रोल्ड होता है, वाला पेड़ का लकड़ी को तीन लेयरों के कट करके छोटे छोटे पीसों के काट के उसको रस्सी में नहीं तो क्लिप में डाल के टाइटली बांधते हैं, तो वाला सिनेमन आर्टिफिशियली आपको रोल्ड हो जाता है, आर्टिफिशियली वो टेस्ट में थोड़ा और अच्छा रहेगा, एंड उसको फ्लेवर एंड टेस्ट होता है ना, सबसे पहले स्वीट एंड उसके बाद में आपको स्पाइसी, स्वीट एंड स्पाइसी रहता है ना, तो उसका लेयर तीन भी रहने का वजह से एंड उसको फ्लेवर का वजह से उसको कैशियस सिनेमन्स नहीं तो इंडियन सिनेमन्स बोल के बोलते हैं, उसका इस्तेमाल विदाउट फ्रिज 14 इयर्स तक रख के आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर लगाए तो सॉरी फ्रिज के अंदर भी रखेगा तो लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, मतलब 28 इयर्स तक रख सकते हैं विदाउट फ्रिज 14 इयर्स। So we can store it in fridge. अच्छा। तो इसका इस्तेमाल आप लॉन्ग टाइम तक करके कर सकते हो एंड स्ट्रॉन्ग टोटल प्लांट का बुशेस को कुल मिला के एक प्लांट बोलते हैं, जैसे आपको स्पाइसेस में बहुत एक्सपेंसिव मिला वाला छोटा इलायची ग्रीन कार्डमम आता है ना, ग्रीन कार्डमम का प्लांट होता है, छोटा इलायची होता है ना, छोटा इलायची का प्लांट होता है, जैसे उसको साउथ इंडिया में हम लोग सबसे ज्यादा कर्नाटका एंड केरला में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन हम लोग इलायची का करते हैं, क्योंकि इसको लगाने के लिए आपको 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, तो मैक्सिमम इसको पानी का जरूरत बहुत कम एंड शेडिंग का जरूरत सबसे ज्यादा लगता है, तो कॉफी का प्लांटेशन के अंदर हम इसको ज्यादातर लगाते हैं। और तो साउथ इंडिया में भी हम लोग क्यों लगाते हैं बोले तो साउथ इंडिया होता है ना वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट बोलते तो फॉरेस्ट इलाका पूरा आपको हिल स्टेशन एरिया मिलता है ना, तो हम लोग हिल स्टेशन एरिया पे इलायची को ज्यादातर लगाते हैं, क्योंकि वाला एक प्लांट आपको मेच्योरिटी होना है तो टोटली 6 इयर्स का टाइम लगता है, उसमें 2 इयर्स प्लांट मेच्योरिटी के लिए बाकी का 4 इयर्स इसका रूट जमीन का इनसाइड पार्ट में से आउटसाइड पार्ट में निकलने के लिए टाइम लगता है, जमीन का इनसाइड पार्ट में रहेगा तो हम लोग उसको रूट्स बोलते हैं, जमीन का बाहर वाला पार्ट में मिला तो हम लोग उसको शूट बोलते हैं, जो कि इलायची आपको जमीन का बाहर में शूट्स में मिलता है एंड इसका सीजन आपको मार्च और अप्रैल अगस्त एंड सितंबर ईयरली 2 टाइम्स मिलता है। अब इसका शूट बाहर निकला है तो इसमें आपको फ्लावरिंग सीजन देखने के लिए मिलेगा, इधर आते इसे इलायची का फ्लावर होता है पर्पल एंड व्हाइट कलर का, ये उसका शूट होता है, शूट का स्टेम होता है, मतलब एक शूट का स्टेम में इलायची का फ्लावर ड्राई होने के बाद ये वाला पार्ट होता है, ये वाला लेयर निकलने के बाद इसका अंदर में आपको इलायची मिलता है, उसका फ्लावर पूरा सा ड्राइड हो गया अभी एंड अप्रैल का सेकंड वीक में आपको इलायची मिलेगा, जो कि एक शूट का स्टेम में 7 to 8 एंड टोटली एक प्लांट से 500 ग्राम जितना, मतलब हाफ किलो जितना इलायची वन टाइम में मिलता है, तो हम लोग ईयरली 2 टाइम्स निकलते हैं ना, तो एक प्लांट से एक साल में सिर्फ आपको 1 किलो का इलायची, मतलब 1 किलो जितना इलायची आपको मिलता है, तो एक प्लांट से 1 ईयर में 1 केजी 1 किलो का इलायची मिलता है, तो इस वजह से आपको इलायची एक्सपेंसिव प्राइस में मिलता है। ग्रीन कलर वाला छोटा इलायची आता है ना, छोटा इलायची एंड इलायची में साइजेस आता है 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm बोल के 4 वैरायटी का साइजेस आता है ना, उसमें 6, 8 and 10 mm वाला इलायची आपको कर्नाटक में मिलता है एंड 12 mm वाला 10 mm वाला इलायची आपको केरला में मिलता है देखने के लिए। जैसे 12 mm वाला इलायची बोलो तो वो लोग वहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए मेल एंड फीमेल को क्रॉस पॉलिनेशन करके प्लांट को हाइब्रिड करता है, आपको लगाना पड़ता है, तो 19 इयर्स तक आता रहेगा इलायची, आता रहता है साल में 1 केजी ऐसा, साल में 1 किलो आपको मिलता है एक प्लांट से, बुशेस का एक प्लांट से। अभी ये कब आएगा ये? अभी अप्रैल का सेकंड वीक में मिलेगा, अभी फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हुआ है ना, तो आपको फ्लावर्स पूरा मिलता है प्लांट में सारा। ओके, सारा इलायची का भी फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हुआ है ना, क्लाइंबर में आपको छोटे छोटे आपको ग्रीन कलर का बीज दिख रहा है ना, ये वाला क्लाइंबर आपको पेपर होता है ना, तो आपको मेरी आलू बोलता है ना, तो पेपर का आपको क्लाइंबर होता है, जैसे इसका एक क्लाइंबर है तो इसको किसी चीज का सपोर्टिंग का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग कॉफी का प्लांट को शेडिंग के लिए बोल के लगाते हैं, कोई सा भी प्लांट का 2 or 3 feet का दूरी में इसका क्लाइंबर को हम लोग सॉइल में प्लांट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वाला एक क्लाइंबर मेच्योरिटी होने के लिए टोटली आपको 4 or 6 इयर्स का टाइम लगता है, 4 इयर्स बोले तो ब्लैक सॉइल में लगा गया तो 4 इयर्स, 6 इयर्स बोलते हो रेड सॉइल में, क्योंकि रेड सॉइल में न्यूट्रिशन बहुत कम रहता है ना, तो इस वजह से
एंड एक क्लाइंबर मेच्योरिटी होने के बाद आपको 6 इयर्स के बाद मिलता देखने के लिए। एंड इसका सीजन अक्टूबर में स्टार्ट होता है तो इसका सीजन आपको एंड होता है अप्रैल में, मतलब ईयर का 6 मंथ आपको पेपर का सीजन रहता है। हम लोग 6 मंथ्स में इसमें से दो वैरायटी का पेपर निकालते हैं, एक व्हाइट और दूसरा ब्लैक पेपर बोलते हैं ना, दोनों वैरायटी का पेपर आपको एक ही क्लाइंबर से मिलता है। एंड सबसे पहले मिलता है आपको व्हाइट पेपर, जैसे व्हाइट पेपर बोले तो ग्रीन पेपर को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल इंडिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है एंड स्पाइसी फूड को प्रिपरेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्लांट्स को इंसेक्ट लगा के खराब होना शुरू करता है। कॉफी का प्लांट का वुड होता है ना बहुत बिटर रहता है, तो ये प्लांट में आपको टर्माइट एंड फंगस नहीं मिलता, इसलिए ना तो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है कॉफी का। अच्छा अच्छा, अभी ये कॉफी के ये स्टेम से ही वो प्लांटेशन का वो लगाते हैं, मतलब एक प्लांट कट करने के बाद रीग्रोथ होने वाला प्लांट होता है, मतलब एक प्लांट उसका शेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद आप 2-3 टाइम्स कट कर सकते हैं, आपको नेचुरली रीग्रोथ होने वाला प्लांट होता है। मतलब कम से कम तो एक रोबस्टा का प्लांट आपको 300 इयर्स तक कॉफी देता है एंड अरबी का प्लांट आपको 160-200 इयर्स तक कॉफी देता रहता है, मतलब जनरेशन वाइज चलता रहता है 2-3 टाइम्स। अभी मैंने देखा बाहर वो प्लांट्स लगाने का वो स्टैंड बनाते ना इससे, वो कॉफी स्टेम से बना रहे, कॉफी का स्टेम से बनाते हैं। अच्छा, और टर्माइट फ्री होता है, और टर्माइट फ्री होता है क्योंकि उसका वुड बहुत बिटर रहता है। ओके, इधर कमर्शियल ट्री है ना कॉफी का प्लांट सारा। चाल बॉय మనం దాగే కాఫీ చాలా బాగుంది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి అనేది, అసలు ఎట్లా ఏంటి అంటే మనం దాగేది నిజంగా చాలా అంటే మంచిదా లేకపోతే ఆర్గానిక్దా దాన్ని మనం మిక్స్డ్దా అని చెప్పి చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ తెలుసుకోవడానికి. సో ఒక్కొక్కటి 40-50 ఇయర్స్ అంటే చెట్లకి అమ్మా कॉफी का कुछ साइड इफेक्ट्स रहता है क्या पीने में? कॉफी बोले तो आपको कैफीन ज्यादा रहता है ना, तो कैफीन का डर कौन से कोई भी पीता नहीं है। उससे हेल्थ इश्यूज आता है बोलते हैं। वो ऑर्गेनिक कॉफी से भी होता है? हां, मतलब पूरा कॉफी में कैफीन होता है। कैफीन होता है? हां, नहीं ज्यादा नहीं होना है, मतलब ज्यादा नहीं, लिमिटेशन में पीना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एडवांटेज भी है इसमें? एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, मतलब आपको ले लो बोल के हम लोग ये नहीं करते हैं, मतलब एडवांटेज भी अच्छा भी है खराब भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ लीजिए। सेशन को हम लोग शेडिंग के लिए बोल के अलग अलग वैरायटी का ट्री लगाते हैं 6 और 4 फीट का दूरी में, एंड वाला ट्री को हम लोग सबसे ज्यादा प्लांट करके छोड़ देते हैं। जैसे वाला ट्री कॉफी का प्लांटेशन का फेंस का एंड वाला बॉर्डर होता है ना, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग सबसे ज्यादा वाला प्लांट को सबसे ज्यादा प्लांट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वाला ट्री का नाम यहाँ पे लोग मतलब वाला ट्री को सिल्वर ओक बोलते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में इसका लोकल नेम होता है आपको कॉफी का प्लांट का मदर प्लांट बोल के बोलते हैं हम लोग। क्यों बोलते हो, ये वाला ट्री को कॉफी का प्लांटेशन का अंदर में 10-10 फीट का दूरी में कॉफी का प्लांट को शेडिंग के लिए बोल के लगाया जाता है। एंड एक प्लांट आपको मेच्योरिटी होना है तो टोटली 9 इयर्स का टाइम लगता है, उसके बाद समर सीजन में 60% ऑफ शेड एंड 40% ऑफ सनलाइट कॉफी का प्लांट को प्रोवाइड करने का काम ये वाला प्लांट करता है। और दूसरा इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम लोग इसको कॉफी का प्लांट का मदर प्लांट बोलते हैं, बोले तो ये आसमान से गिरने वाला रेनी वाटर को कुछ टाइम तक अपना लीफ में होल्ड करके रखता है और जमीन को पिन ड्रॉप लाइक अ बेबी शॉवर की तरह पिन ड्रॉप पानी गिराने का काम इसका लीव्स करता है, मतलब बारिश का पानी डायरेक्टली जमीन डायरेक्ट नहीं गिरता है, जो कि इसका लीफ को थोड़ा सा देर स्टोर होकर उसके बाद में जमीन को गिरता है, तो उसमें से गिरने वाला पानी जमीन का इंसर्ट तक जाके कॉफी का प्लांट को तेज से ग्रोथ करने के लिए एंड कॉफी का बीन्स को बारिश से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए वाला ट्री को इस्तेमाल किया जाने वाला मदर, सो इस वजह से मदर प्लांट बोलते हैं। दूसरा रीजन होता है रेनी सीजन में बहुत सारा वाटर को मतलब फिल्टर का तरह अपना स्टेम वाला पार्ट पे स्टोर करके रखे, समर सीजन में अपना हरे रूट्स के थ्रू कॉफी का प्लांट को नेचुरल पाइपलाइन का तरह वाटर सप्लाई करने का काम इसका रूट्स करता है, जो कि इसका रूट जमीन का इनसाइड वाला पार्ट में नहीं ह्यूमन का नर्व्स का तरह हर जगह आपको पूरा जगह एक्सटेंड होकर स्कैटर होकर रहता है नीचे पूरा, तो 10 फीट में एक लगाते हैं। तो हम लोग इसको कॉफी का प्लांट का मदर प्लांट इस वजह से बोलते हैं। एंड वाला ट्री जितना एज होता जाता है ना उतना आपको साइज में और भी ज्यादा एक्सटेंड होता जाता रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ट्री है ना, ये आपको सिल्वर ओक होता है और हम लोग वाला ट्री होता है ना ज्यादा टाइम तक बोल के इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वाला ट्री का अंदर में लकड़ी में आपको पानी गिरने का से वाला ट्री आपको अंदर से पूरा खराब हो जाता है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ 40 इयर्स तक कर सकते हैं एंड आफ्टर 40 इयर्स के बाद वाला ट्री को कट करके इंडिया में इसका इस्तेमाल लाइट वेट फर्नीचर और इंटीरियर बनने के लिए इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, जैसे कि आपका रॉयल ओक फर्नीचर का नाम आपने रॉयल ओक फर्नीचर बनता है आपको ये वाला ओक वुड का वजह से, एंड उसी के साथ साथ और नहीं सुना है तो आईकिया कंपनी का नाम तो आपने शायद सुना है, जैसे आईकिया कंपनी में वो लोग इटालियन फर्नीचर्स बनाने के लिए वाला ट्री का ओक वुड का इस्तेमाल पाउडर वुड ब्लू यूज करते हैं, पाउडर वुड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है। तो यहाँ पे इंडिया में हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंडिया में लाइट वेट फर्नीचर के साथ साथ बच्चों का पेंसिल्स बनाने के लिए एंड प्लाईवुड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। एंड कूर में आपको फेमस है वाइन यहाँ पे, क्योंकि वाइन का बैरल बनाने के लिए वुडन बैरल इसका इस्तेमाल हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं, एंड मेनली इसका इस्तेमाल क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए, बच्चों का वुडन टॉयस बनाने के लिए, फ्रूट का वेटलेस पार्सल
बॉक्सेस एंड कंटेनर्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा वेट नहीं रहेगा बोल के ज्यादा वेटलेस रहता है मतलब वेटलेस रहता है ना इस वजह से एंड इसको सिल्वर ऑक इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसका लीफ का अंडर वाला पार्ट जो होता है ना सनलाइट और मूनलाइट में इसका लीफ आपको सिल्वर कलर में रिफ्लेक्ट करता है इस वजह से इसको सिल्वर ओक बोल के बोलते हैं जो कि प्लांट का शेल्फ लाइफ 40 इयर्स लास्ट होता है जो कि कॉफी का प्लांट का मदर प्लांट इसको बोला जाता है व्हाइट एंड येलो सैंडलवुड का प्लांट होता है एंटायर इंडिया में आपको सैंडल में दो वैरायटी का सैंडल मिलता है एक होता है रेड सैंडल जो कि इसका प्रोडक्शन आपको आंध्र प्रदेश का शेषाद्रीपुरम तिरुपति में सबसे ज्यादा एंड चित्तूर में आपको दिखता है देखने के लिए जैसे आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको रेड सैंडल का आंध्र प्रदेश वाला पार्ट में मिलता है ये वाला नहीं ये व्हाइट एंड येलो सैंडलवुड का प्लांट है जो कि ये वाला पार्ट में देख सकते हैं जैसे अभी आपको मैच्योर्ड वाला नहीं है जैसे 4 इयर्स ओल्ड वाला प्लांट है मैच्योरिटी होने के लिए टोटली आपको 18 नहीं तो 25 इयर्स का टाइम लगता है और उसके बाद में ये वाला प्लांट का रूट्स होता है ना रूट्स वाला पार्ट में से हम लोग एरोमेटिक्स मिलने निकला था आफ्टर 25 इयर्स के बाद इसको रूट्स को हम लोग येलो सैंडलवुड बोलते हैं इसका इस्तेमाल इंडिया में सैंडलवुड का ऑयल परफ्यूम बनाने के लिए एंड सबसे ज्यादा इस्तेमाल सोप्स बनाने के लिए इसका रूट्स वाला पार्ट का यूज किया जाता है ये सारा कमर्शियल ट्रीज होता है रेवेन्यू ज्यादा वाला प्लांट को लेकिन इंडिया में कोई भी प्लांट नहीं करता है क्योंकि कमर्शियल ट्रीज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वाला प्लांट का वुड बहुत बिटर रहता है ना तो वाला प्लांट में टर्माइट एंड फंगस नहीं मिलता है तो इसका इस्तेमाल मतलब आप लॉन्ग टाइम तक मतलब 800 ईयर से 900 ईयर तक कर सकते हैं जो कि इसका एक्सपायरी नहीं होता सैंडलवुड का तो इसलिए इसको कमर्शियल ट्रीज बोलते हैं क्योंकि इसका रूट्स वाला पार्ट का मार्केट प्राइस आपको कम से कम आफ्टर 90 इयर्स के बाद 12-20 लाख रुपीज जितना आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया में और दूसरे इसका स्टेम एंड ब्रांचेस वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं व्हाइट सैंडलवुड जैसे व्हाइट सैंडलवुड बोले तो इसको रब करने के बाद इसका एरोमेटिक स्मेल पता लगता है जैसे बड़ा बड़ा मंदिरों में भगवान का बॉडी के ऊपर चंदन पत्थर में घिसे तो अच्छा था ना पत्थर में घिसेगा तो आपको एरोमेटिक स्मेल पता लगता है और इसी के साथ साथ कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए एंड सैंडलवुड का हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने के लिए इसका स्टेम एंड ब्रांचेस वाला पार्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है स्टेम एंड ब्रांचेस वाला पार्ट का मार्केट प्राइस आपको कम से कम टोटली मिला के 40 लाख रुपीज जितना मिलता है मतलब 40+20 एक प्लांट से आपको 90 ईयर्स के बाद 60 लाख रुपीज जितना मार्केट प्राइस इसका स्टेम ब्रांचेस एंड उसका रूट्स वाला पार्ट का मिलता है जो कि इसका लीफ आपको किसी काम का नहीं है लीफ एक छोड़ के आपको हर एक चीज हर एक पार्ट में इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है रूट्स रूट्स एंड 60 इयर्स 90 इयर्स के बाद में और ये वाला प्लांट होता है ना वाला प्लांट को इंडिया में कोई भी ज्यादातर लोग लगाते नहीं क्योंकि दो रीजन है आपने शायद सुना होगा सैंडलवुड का प्लांट के नीचे स्नेक्स आपको बहुत ज्यादा बहुत स्नेक्स मिलते हैं ये वाला प्लांट होता है ना ऑक्सीजन ज्यादातर रिलीज करने कॉल से वाला प्लांट के नीचे कोल्डनेस रहता है प्लस इसका रूट्स का एरोमेटिक स्मेल की वजह से स्नेक्स हिप्नोटाइज होकर आके वाला प्लांट का अगल बगल में ये वाला प्लांट के नीचे सबसे ज्यादा मिलता है ना तो ये वाला प्लांट को कोई भी ज्यादातर लोग लगाता नहीं है अगर इनकेस लगाना है तो ये कमर्शियल ट्रीज होता है ना जो कि रेवेन्यू ज्यादा है तो इनकेस लगाने के बाद में वाला ट्री आपको कोई भी स्मगलिंग कर मतलब चोरी कर लेता है तो इस वजह से गवर्नमेंट का रजिस्टर ऑफिस में जाके सबसे पहले वाला पेड़ का रजिस्टर करवाना पड़ेगा उसके बाद गवर्नमेंट आपको एक लेबल देता है नहीं तो नंबर देता है और उसके बाद में प्लांट करने का परमिशन देता है ये वाला प्लांट को तो उसके बाद आप इधर मिलेगा इधर प्लांट है इधर इलीगली आप लगा नहीं सकते लीगली परमिशन लीगली है इधर लीगली यहाँ पे परमिशन आपको मिलता है ये अभी है इधर मतलब यहाँ पे है हमारे प्लांट में तो टोटली प्लांटेशन में 113 एकड़ का प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही प्लांट है हमारे पास में सैंडलवुड का ये वाला हाँ एक ही प्लांट है क्यों बोलते हैं वाला प्लांट को स्नेक्स की वजह से लगाते नहीं क्योंकि इनकेस कुछ हो गया तो हम लोग हाँ इधर थोड़ी साथ घूमते रहते हैं तो इस वजह से और तो और ये वाला प्लांट होता है ना इसको 32 से 38 या मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है जैसे एंटायर इंडिया में इसका प्रोडक्शन एक होता है आपको गुजरात में जो कि 10% जितना आपको मिलता है और दूसरा कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु का बॉर्डर का बीच में जो कि मैसूर से 110 किलोमीटर में आपको कोयमत्तूर का सत्यमंगला फॉरेस्ट होता है जहाँ पे वीरप्पन रहता था वीरप्पन वहाँ पे कोयमत्तूर का सत्यमंगला फॉरेस्ट में इसका वहाँ पे प्रोडक्शन 80% जितना मिलता है वहाँ का सैंडलवुड को लोग कट करने के बाद में लोग मार्केट में मतलब सप्लाई करते हैं जैसे सैंडल सत्यमंगला फॉरेस्ट का जो सैंडल होता है उसको लोग कट करके वहाँ का ट्राइबल लोग कट करते हैं एंड मैन्युफैक्चर के लिए मैसूर में बेचते हैं जो कि एंटायर कर्नाटक में साउथ इंडिया वाला पार्ट में आपको सैंडलवुड का मैन्युफैक्चर सिर्फ और सिर्फ मैसूर में मिलता है देखने के लिए इसलिए वो सोप का नाम भी मैसूर सैंडल सोप बुलाते हैं सत्यमंगला सैंडल को वो लोग कट करने के बाद मैसूर का सैंडल नाम से आपको मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं सिर्फ रूट्स वाला पार्ट का दूसरा स्टेम एंड ब्रांचेस वाला पार्ट को वहाँ का ट्राइबल लोग को दे देते हैं जो कि लोग मैन्युफैक्चर करके उसका सैंडल का हैंडीक्राफ्ट आइटम एंड भगवान का बड़ा बड़ा नहीं तो छोटा छोटा मूर्ति बना के आपको मार्केट में सेल करते हैं तो आपको मैसूर सैंडल के नाम से जाना जाता है जो कि सत्यमंगला फॉरेस्ट से आपको मैसूर सैंडल मिलता है देखने के लिए हाँ स्मेल आता है मतलब बड़ा बड़ा भगवान का मूर्ति होता है ना उसमें थोड़ा सा पानी छिड़कने से उसमें से आपको एरोमेटिक स्मेल आता रहता है जैसे बड़ा बड़ा मंदिरों में आप देखते हैं ना जैसे आपका तिरुपति का बालाजी का मूर्ति तिरुपति का बालाजी का मूर्ति को आपको 7 डोर्स होने के बाद ओरिजिनल मूर्ति है लेकिन आपको बाहर दिखाता है दूसरा मूर्ति जो कि सैंडलवुड का इसमें से बनाने वाला मूर्ति होता है एंड वो वाला क्या वो इसको पर एक लेप करता है उसको चंदन का लेप भी करता है उसी के साथ इसी वो गिसके जैसे निकालते हैं गिसके निकालते हैं नहीं तो पानी का अभिषेक करते हैं ना तो उसमें से आपको एरोमेटिक खुशबू निकल आता है तो इस तरह होता है आपको सैंडलवुड का एंड इसका शेल्फ लाइफ होता है आपको 90 इयर्स लास्ट इंडिया में एंड आपको 80 इयर्स का सैंडलवुड को देखना है तो एंटायर कर्नाटक में आपको मैसूर जू में मिलता है देखने के लिए क्योंकि कम से कम 800 से 1 किलोमीटर तक उसका एरोमेटिक स्मेल आपको मिलता रहता है जो कि अभी यहाँ से यहाँ पे लगा है तो आपको एंट्रेंस गेट है ना वहाँ तक आपको एरोमेटिक स्मेल आता है तो उतना स्ट्रॉन्ग रहता है उसका स्मेल आपको जैसे व्हाइट एंड येलो सैंडलवुड का प्लांट होता है वाला मशीन।
मशीन देख रहे हैं यहाँ पे, ये टॉपिक आपको रोस्टिंग मशीन, जो कि आपको ऑपरेट होता है वाला मशीन एलपीजी सिलेंडर का हेल्प से। यहाँ पे अंदर में एक ड्रम रहता है, जो कि वाला पोर्शन है ना, इस सारा ड्रम वाला पोर्शन होता है, फ्लेम का हीट ऊपर ड्रम इसके अंदर में रोल्ड होता है, तो इसके अंदर में कॉफी स्टीम होकर रोस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कॉफी को लाने से पिक करके उसका आउटर शेल को निकाल के सनलाइट में ड्राई करके लेकर आता है। तो लेकर आने के बाद आपको कॉफी का स्वीट मिल जाएगी, जो कि हम इसको कॉफी का अनरोस्टेड बीज बोलते हैं, लेकिन कॉफी का रॉ बीज होता है। इसको ऊपर वाला पार्ट में हम लोग डालने के बाद कॉफी का यहाँ पे हम लोग रोस्ट करते हैं, डाल सकते हैं। कॉफी को यहाँ पे हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर एंड 120 डिग्री का पैनल में रोस्ट करते हैं, लेकिन लाइट रोस्टिंग, मीडियम रोस्टिंग, डार्क रोस्टिंग बोलते तीन प्रकार का रोस्ट है। इसमें आपको सबसे पहला रोस्ट मिलता है लाइट रोस्टिंग, जो कि आपको इस्तेमाल ग्रीन में तो व्हाइट कॉफी बनाने के लिए किया जाता है, जो कि ग्रीन एंड व्हाइट कॉफी का पाउडर होता है। ये वाला कॉफी आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके वेट लॉस करने के लिए, माइग्रेन प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए एंड डायबिटीज के लिए सबसे बढ़िया कॉफी होता है आपको ग्रीन कॉफी। जैसे ग्रीन टी का तरह विदाउट शुगर विदाउट मिल्क वाला कॉफी को पानी में बॉइल करके पीना पड़ता है, जो कि करो कॉफी का रॉ कॉफी का स्मेल होता है, ग्रीन कॉफी का स्मेल होता है। एंड सेकेंड रोस्टिंग होता है आपको मीडियम रोस्टेड कॉफी का बीज, जैसे आपको मीडियम रोस्टेड कॉफी का बीज हो तो नॉर्मल कॉफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आपको लाइट स्मेल आएगा बस उतना ही, चलो बीज को आप टेस्ट कर सकते हैं, एक मिनट देखा, तो ये आपको मीडियम रोस्टेड कॉफी का बीज है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। कॉफी का 70% का फ्लेवर टेस्ट आपको आपको मिल सकता है, एक बीज को निकाल के काटे देते हैं, उतना बीटर नहीं होता, पीनट को ज़्यादा रोस्ट करोगे तो कैसा टेस्ट आता है, सेम फ्लेवर टेस्ट आता है। एंड लास्ट होता है आपको 60 मिनट वाला डार्क, नहीं तो चारकोल रोस्टेड बीन बोलते हैं, इसका इस्तेमाल डार्क चॉकलेट बनाने के लिए, ब्लैक कॉफी बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसको, एंड बड़ा बड़ा परफ्यूम का शॉप में जाते हैं परफ्यूम का स्मेल को कट करने के लिए, कॉफी का रोस्टेड बीन देते हैं ना, इसे डार्क रोस्टेड बीन का अरोमेटिक बीज बोलता है। एंड नाइट टाइम में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मतलब आपको ड्राइविंग में तो 7 to 8 कॉफी का बीज पीने वाला एक आने से, तो आपको एक टिन ऑफ रेडबुल पीने जितना एनर्जी मिलता है 7 to 8 आवर्स तक आपको एक्टिव रखने के लिए हेल्प करता है वजह से। इस तरह कॉफी आपको लाइट, मीडियम एंड डार्क रोस्ट होता है। कॉफी यहाँ पे आपको कितना टेम्परेचर रोस्ट हो रहा है इसको चेक करने के लिए हमारे पास में कॉफी का एक मैनुअल टेस्टिंग टूल है, इसको हेल्प से हम लोग चेक करते हैं कॉफी रोस्ट हो रहा है कि नहीं बोलते। अगर पूरा सा रोस्ट कंप्लीट होता है तो वाला डोर को ओपन करेंगे तो कॉफी का बीज पूरा नीचे में आके स्टोर होता है, जो कि कॉफी का कूलिंग पैनल, जो कि आपका ऑपरेट होता है आपको इलेक्ट्रिसिटी का मदद से, जो कि 25 मिनट से लेकर 30 मिनट के लिए कॉफी को कोल्ड करने के लिए इस्तेमाल करता है। और उसके बाद ये वाला रोस्टेड बीज को डोर का मदद से हम खोलते हैं तो कॉफी का गर्मा गर्म बीज पूरा नीचे में आके आता है। ऐसे कलेक्ट किया वाला कॉफी का रोस्टेड बीज होता है, नेक्स्ट ये वाला मशीन का मतलब ग्राइंड करके पाउडर किया जाता है, जैसे पाउडरिंग मशीन है कॉफी का, ये फ्रेशली ग्राइंडेड है आपके सामने, जिसके जिसको स्मेल करो कॉफी का आपको 100% अरोमेटिक स्मेल आएगा, इसे कॉफी का स्मेल ग्रिल कॉफी बोलता है। एक टेबल स्पून में आप 3 to 4 कप जितना कॉफी बना सकते हैं, जैसे प्योर कॉफी इसका एक्सपायरी नहीं होता है, विदाउट फ्रिज आप ऐसे ही रखोगे तो 70 ईयर्स तक ये वाला प्लांट ये वाला कॉफी का ऑपरेट करता है, 70 ईयर्स तक रख सकते हैं, क्योंकि वाला कॉफी बहुत बिटर एंड स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तो इसका बिटरस को कम करने के लिए मार्केट में वो लोग एडल्ट्रेशन के लिए एक प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जो कि इसका नाम चिकोरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में ब्रू नहीं तो नेस्कैफे साशे पैकेट को 10 to 15 मिनट के लिए ओपन करके रखते हैं तो हार्ड होता है आपको मॉइस्चर करते कॉफी, क्योंकि आपको चिकोरी कल्चर देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको साउथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में चिकोरी बोल के एक पर्टिकुलर प्लांट रहता है, जैसे चिकोरी का पॉड होता है, तो इन दोनों को एक साथ में ब्लेंड करने के बाद कॉफी का ओरिजिनल कलर होता है आपको गोल्डन ब्राउन एंड चिकोरी का कलर होता है आपको डार्क ब्राउन, इन दोनों को एक साथ में ब्लेंड करने के बाद कॉफी का कलर कॉफी मतलब आपको ब्राउन कलर मिलता है देखने के लिए। अभी ये कॉफी बिटर होता है ना, तो इसका बिटर तो अरबिका कॉफी आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन इंडिया में कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है, तो क्वांटिटी को रेशियो को बैलेंस करने के लिए अलग रहता है। एंड आपका कॉफी क्यों किस तरह हार्ड होता है बोलते, इस तरह आपका कॉफी बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, और ये हीट लगने से भी स्टिकी टाइप स्टिकीनेस बन जाता है कॉफी आपको, मतलब बहुत जल्दी स्टिकी स्टिकी टाइप का बन जाता है, आपको चिकोरी का पाउडर होता है। तो इसको पाउडर करने के बाद में कॉफी का पोरी क्या होता है, प्लांट का रूट्स होता है, मतलब उसमें पुराने जमाने में वो लोग चिकोरी का खास चिकोरी का जब मतलब कॉफी में कैफीन रहता था उसके साथ चिकोरी का कंजप्शन करता था, तो उसको ब्लेंड करते हैं అన్ని చెట్లు ఉన్నాయి సో ఆ చెట్లు ఉన్నాయని చెప్పి ఇది ఇక్కడ తీసుకురు ఇక మా ఆయన కూడా చెట్లు ఉన్నాయి కానీ పక్కన నేను అమ్ముదాం తీసుకుందాం అని చెప్పి అన్న తీసుకుంటున్నాడు మనం వెళ్ళే ఫ్లైట్లో రిటర్న్ అని అంటే లాస్ట్కి ఏమన్నా వచ్చా వీళ్ళ దగ్గర కొరియర్ సర్వీస్ ఉందంట కొరియర్ ఇద్దాం ఉంటుంది లాస్ట్కి
ఏమొద్దు అవి తుక్కేసాయి అంటే అవి అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటున్నాం ఒక మంచిగా అంజీర్ తిన్నావా బాదం తిన్నావా లంచ్ వద్ద ఇంకా నీకు ఇప్పటికైతే జస్ట్ మళ్ళీ ఫారెస్ట్ అంతా కడవాలి కదా కొంచెం తడపలో వేసుకుంటే వెరీ గుడ్ కానీ దాల్చిన చెక్క వాసన బాగుంటుంది ఏం చేస్తాం అట్లుంది ఇగో వైట్ పేపర్ అయిపోయింది ఇగో ఇదే వైట్ పేపర్ మీరు తిన్నారు కదండి ఒక 1000 రూపీస్ ఇవ్వండి మాకు ఆంటీ ఉంటారు కదా ఎవరు ఆంటీ అన్ని కలిసి మీకు 1000 రూపీస్ అట్లా అన్ని తిన్నావు కదా అందుకే ఇవ్వాలి వెళ్దామా ఇప్పుడు ఒక 4000 బొక్క పెట్టినమా బిల్లు వీళ్ళ దగ్గర ఇదే కాకుండా వైన్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారనమాట జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఫైనలీ మా షాపింగ్ అయితే ఇలా ఎండ్కి వచ్చిందనమాట నాకైతే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే మనం వాడే ప్రోడక్ట్ నుంచి తెలుసుకోవడం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా సో నాకు తెలిసి మీ అందరికీ కూడా ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ అనుకుంటుంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ